हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीमास ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आप लोग बने रहिए और देखते रहिए कि आज मैंने दिन भर में क्या क्या किया है। जो कुछ थोड़ा बहुत मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो प्लीज़ आप देखिए और इन्जॉय करिए। तो फ्रेंड्स देखो, आज मैं बना रही हूँ बल्ले। और आप लोग बताना किसके किसके यहाँ बल्ले बनते हैं होली पे। मेरे यहाँ तो बनते हैं, रेडीमेड भी मिल जाते हैं, पर मैं अपने घर पे बनाती हूँ। तो आज था मंडे, अच्छा दिन था, तो आज मैं ये गाय का गोबर है उससे बना रही हूँ। देखिए और कमेंट करके बताइएगा किसके किसके यहाँ बनते हैं, कौन कौन बनाता है अपने घर पे। तो ये दो तरीके से लोग बनाते हैं, कोई गोल बनाता है, कोई लंबे। मैं भी दोनों तरीके से बनाती हूँ, गोल ज़्यादा बनाती हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ गोल गोल तरीके से, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ती है। जब हम लोग होली जलाते हैं तब इन्हीं से होली जलाते हैं हम लोग, तो इसलिए। और कोई भी अच्छा काम करो तो अच्छे दिन से शुरुआत करनी चाहिए। तो आज था मंडे, तो आज सोचा लाओ बना लें, होली तक सूखने भी हैं। तो अब आपको लंबे वाले बना के दिखाती हूँ। इस तरीके से कर लेंगे और इसको इस तरीके से बनाएंगे। ये देखिए, ये हो गया लंबा वाला है। ये इस तरीके से सारे बना लेंगे। और ये गोबर मैं सुबह सुबह आज लेने गई थी, कितने टाइम, 6 बजे मैं और बुआ जी दोनों लोग साथ में लेके आए हैं। गाय का गोबर है, लेट जाओ तो फिर मिलता नहीं है, इसलिए सुबह जल्दी जाना होता है। तो लोग सुबह जल्दी जल्दी गए थे तभी लेके आए हैं। तो वैसे ये सभी के यहाँ लगभग बनते हैं, क्योंकि होली है तो सभी होली पे जलाते हैं ना होल का, तो फिर बनाना तो पड़ता ही है। नहीं बनाते होंगे वो लोग खरीदते होंगे, और हम लोग घर पे बनाते हैं, क्योंकि अच्छा काम है तो अपने घर पे करना चाहिए। मजबूरी हो तो खरीदो, तो बनाना। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मेरे पूरे बल्ले बन चुके हैं, और आप लोग बताइएगा कैसे बने। मुझे जैसे बनाने आते थे मैंने बनाए हैं, और थोड़ा काम भी था सुबह सुबह, तो जल्दी जल्दी मैं बनाए हैं, तो बस ऐसे ही बना पाई हूँ मैं। तो आप लोग बताइएगा कैसे बने। तो मैं नीचे आ गई हूँ नहा के, क्योंकि आज बेटे का था एग्ज़ाम, आज है 27, तो आज बेटे का फर्स्ट एग्ज़ाम था। तो बस अब मैं उसका टीका करूँगी और उसको भेजूँगी एग्ज़ाम के लिए। तो कोई भी अच्छे काम के लिए जाते हैं तो दही शक्कर या कुछ भी, मतलब मीठा खिलाया जाता है और टीका किया जाता है, शुभ होता है। तो मेरे भी बेटे का 10th का आज पहला एग्ज़ाम था, तो मैंने भी उसका दही से टीका किया है, उसको थोड़ा सा मीठा खिला दिया है। तो मैंने बेटे को भेज दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं बनाने लगी हूँ सब्जी। तो आज मैंने राजमा की सब्जी बनाई है, तो बस वही छौंक रही थी और साथ में अपनी चाय भी पी रही थी, क्योंकि नाके मैंने भी चाय नहीं पी थी, तो वो भी साथ में पीती जा रही थी। तो ये देखिए फ्रेंड, शाम हो गई थी तो मुझे लानी थी सब्जी, क्योंकि घर में सब्जी ख़त्म हो गई थी। तो मैं आ गई हूँ यहाँ सब्जी मंडी में सब्जी लेने। सब्जी मंडी मेरे को बिल्कुल घर के पास ही में है, ज़्यादा दूर नहीं है। वो 6 किलो दो, उल्टा बोल रहा है। सब्जी लेने छठा हरा हरा मत दो, हरा नहीं रखे ना, आ गए तो फिर हम सोच रहे ले ही लें। ₹15 पाव है, अदरक 20,
दे दो। लो कितने हुए, 15, 30, 20, 50 लो। तो फ्रेंड्स मैंने सब्जी ले ली है और मैं जा रही हूँ घर। तो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं कि मैंने झोला भर के सब्जी ली है। आप लोग सोच रहे होंगे इतनी सब्जी का मैं क्या करूँगी। तो मैं फ्रेंड्स रोज़ रोज़ नहीं जाती हूँ मंडी में, हफ्ते में एक दिन जाती हूँ, पूरे हफ्ते की सब्जी ले आती हूँ एक साथ। तो वही मैंने ले ली है, आलू वगैरह सब। मैं आ गई हूँ घर, तैयारी भी करती जा रही हूँ। तो ये मैंने आटा माड़ के रख लिया था और सब्जी मेरी दोपहर की बची रखी थी, तो मैंने सब्जी अभी नहीं बनाई है, आलू तले हैं और बाकी राजमा की सब्जी रखी थी। और इधर मैं सब्जी निकालने लगी जो लेके आई थी, क्योंकि हरी सब्जी अगर बंद रखी रहे तो ख़राब हो जाती है। तो मैं आती हूँ तो तुरंत सारी सब्जियाँ निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सारी सब्जी निकाल ली हैं और जो धोने वाली सब्जी हैं उनको अलग कर लिया है, और जिनको धुलेंगे नहीं तो उनको डायरेक्ट फ्रिज की कंडी में मैं रख रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं सारी सब्जियाँ धुल रही हूँ। और मेरे मतलब सबसे यही कहना है कि अगर आप सब्जी लेके आते हैं तो तुरंत उन सब्जियों को धुल लें, धुल के सुखा लें, उसके बाद आप अपनी फ्रिज में रखें। क्योंकि पता नहीं ये लोग किस तरीके से मतलब सब्जियों को किस पानी में धुल के और कैसे क्या लाते हैं, तो बैक्टीरिया वगैरह मतलब अपना साफ सफाई रखें वो ज़्यादा अच्छा है। तो कोई भी सब्जी लाएँ तो सबसे पहले उसको अच्छे से धुल लें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी जितनी धोने वाली सब्जियाँ थी मैंने उनको धुल लिया है, और रात भर मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी इनको, फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखूंगी। सुबह मैं इन सारी सब्जियों को फ्रिज में। और आप एक तरफ देख रहे हैं कि दूध खुला हुआ रखा है, तो ये दूध मेरे केशव माधव का रखा है जो मैंने अभी भी निकाल के रखा है। तो फ्रेंड्स देखिए अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, मैंने सारा काम फिनिश कर लिया है, गैस भी मेरी साफ़ हो गई है, बस मुझे खाना खाना है। तो फ्रेंड्स बस यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड भी कर रही हूँ। तो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब।